हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, बहुत सारे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनमें कन्फ्यूज़न रहता है कि सर वारी का सोलर पैनल ख़रीदें या फिर लूम सोलर का सोलर पैनल ख़रीदें। तो दोस्तों, मैं बिल्कुल आज आपको बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों कुछ कंपनियों ने मार्केट में, किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा, आपका पैसा है, आप जो चाहो वो ख़रीद सकते हो। बट मैं अपना एक व्यू रखना चाह रहा हूँ कि दोस्तों बहुत सारी कंपनियाँ जो खुद को नंबर वन बता के एक मार्केटिंग कंपनी हो के दूसरी कंपनियों जो अच्छी कंपनियाँ हैं उनसे ज़्यादा पैनल बेच रहे हैं। तो दोस्तों डिटेल में बात करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर दोस्तों हम कंपेयर करने जा रहे हैं वारी के और जो लूम सोलर के पैनल है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दोस्तों स्क्रीन पे, पहले मैं आपको जो वारी का सोलर पैनल है दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये यूएल लिस्टेड सोलर पैनल है। यूएल लिस्टेड का मतलब होता है सर कि लेबोरेटरी के अंदर जो सेफ्टी की टेस्टिंग होती है, बहुत एक्सट्रीम टेस्टिंग होती है, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों प्रकार से टेस्टिंग करते हैं। तो दोस्तों ये पैनल मैकेनिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, ये इसका प्रमाण है। मैं बता देता हूँ यूएल लिस्टेड क्या पैनल होते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा मैंने एक स्क्रीन शॉट लिया है, तो वहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए दोस्तों, यूएल लिस्टेड का मतलब है यूएल लिस्टेड मार्क स्टैंडर्ड अलोन उपभोग्य सामग्री के यूएल अनुमोदन का एक स्तर है, जिसका स्टैंडर्डाइज लेबोरेटरी द्वारा कठोर परीक्षण द्वारा किया गया है। तो दोस्तों बहुत ही इस पर एक्सट्रीम टेस्टिंग की जाती है लेबोरेटरी में, जो भी यूएल लिस्टेड होते हैं उनमें। और दोस्तों इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली दोनों प्रकार से सेफ होते हैं, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और यहाँ पर बिल्कुल सेफ होते हैं। तो दोस्तों पहली चीज़ तो है कि जो आपको मैं पहली चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, जो हमारे वारी के सोलर पैनल है दोस्तों, ये यूएल लिस्टेड है, जबकि लूम सोलर के पैनल कोई भी यूएल लिस्टेड नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, कहीं भी यहाँ पे यूएल लिस्टेड का टैग नहीं है। देखिए ये लूम सोलर का पैनल है 575 वाट का, तो दोस्तों ये कहीं भी यूएल लिस्टेड सोलर पैनल नहीं है। देखिए दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जो, अगर दोस्तों हम यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे सर्टिफिकेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो 517302। दोस्तों देखिए इतने सारे सर्टिफिकेशन इस पे दिए हुए हैं सोलर पैनल पे, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आता है। इसकी क्वालिटी का टेस्ट किया गया है दोस्तों, और इसके सेफ्टी मेजर का टेस्ट किया गया है। और यहाँ पे देखिए कहीं भी एफिशिएंसी मार्क नहीं है, मेड इन इंडिया है पैनल, सब कुछ देखिए आपको इस प्रकार दिख रहा है। तो दोस्तों ये इसके सर्टिफिकेशन है दोस्तों, कुछ सर्टिफिकेशन यहाँ पे क्लियर नहीं दिख पा रहे हैं, क्योंकि हम फोटो क्लियरली नहीं ले पाए हैं। अब दोस्तों मैं आपको लूम का पैनल भी दिखा देता हूँ। देखिए लूम का पैनल भी अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो दोस्तों, देखिए लूम का सोलर पैनल है, यहाँ पे केवल 3 या 4 स्टैंडर्ड से सर्टिफाई है, ISO से है, और यहाँ पे 2-3 स्टैंडर्ड और है। जबकि दोस्तों वारी पे आप देख सकते हो यहाँ पे UN लिस्टेड भी है, और साथ में बहुत सारे स्टैंडर्ड से, लगभग 5-6 स्टैंडर्ड है, और यहाँ पे सी स्टैंडर्ड। दोस्तों जो लूम सोलर जितने स्टैंडर्ड से सर्टिफाइड है उतने से तो है ही, उसके अलावा बहुत सारे एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन है। और सबसे मेन चीज़ ये कि यूएल लिस्टेड भी है, और दोस्तों ये काफ़ी अच्छा ब्रांड है और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। देखिए यहाँ पे मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग भी है, और यहाँ पे अगर हम लूम की बात करें तो दोस्तों इसमें कहीं भी मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हो कि दोस्तों यहाँ पर जो लूम सोलर है इसके पैनल काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आते हैं। और दोस्तों बहुत ज़्यादा तो मुझे भी इन सर्टिफिकेशन की नॉलेज नहीं है, बट आप अगर और डिटेल में जानना चाहते हो तो दोस्तों गूगल पे जितने भी सर्टिफिकेशन ये दिए गए हैं इनको टाइप करके देख सकते हो कि बेटर क्वालिटी, अगर आप फाइनली आप देखोगे तो दोस्तों बेटर क्वालिटी वारी की ही निकल के आएगी। चाहे मैकेनिकल देखो चाहे इलेक्ट्रिकल देखो, हर चीज़ में दोस्तों वारी का सोलर पैनल बेस्ट होगा, जबकि फिर भी लूम सोलर काफ़ी महंगे महंगे पैनल बेच रहा है। तो दोस्तों अब आपका सब विवेक है, आप कोई सी भी कंपनी को खरीद सकते हो, क्योंकि आपका पैसा है, केवल मेरा काम आपको बताना है, बाकी जो आपकी इच्छा है वो आप कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।